सेकंड चांस नहीं देता हूं सर। वेल कीप इट अप। श्योर सर। ओके हाँ तुम ही फर्स्ट हो गई। डैडी डैडी क्या हुआ? मम्मी क्या बोल रही? अरे क्या बोल रही हो? जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाइज नो पापा ओपन योर माउथ हा 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 जॉनी जॉनी यस पापा अरे अरे बाप रे शर्मा रही है। ये सब क्या है? ये 10th का स्कूल यूनिफॉर्म है। अच्छा है ना? बहुत बढ़िया है। ये ड्रेस पहनकर तुम स्कूल जाओगी तो जरूर 10th क्लास में तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। सच में? हाँ। अच्छा तो तुम एक बात बताओ, ये 10th क्लास की ड्रेस ही है या सारे क्लासों की यही ड्रेस होती है? वो क्यों? बस यूं ही, मैं तो तुम्हें और भी छोटी क्लास की ड्रेस पहने हुए देखना चाहता हूँ। है ना, है ना? ये 8th क्लास की। ओह ये 6th क्लास की। ये मेरे 2nd क्लास की स्कूल यूनिफॉर्म है। मेरे बचपन के सारे यादों को मैं संजो कर रखती हूँ, इसलिए मैं ड्रेसेस को सूटकेस में रखती हूँ। वाओ वेरी गुड वेरी गुड। तुम पैदा हुई थी उस वक्त की ड्रेस भी है तुम्हारे पास? दिखाती हूँ। ये देखो। अब एक काम करो। हाँ। जरा ये पहन कर दिखाओ मुझे। ये पहनो। हाँ। हेलो क्या सोच रही हो? ये पहनूंगी तो भला मैं कैसे लगूंगी ये सोच रही हूँ। अरे इसीलिए तो पहनने के लिए कह रहा हूँ, कैसी लगोगी? ठीक है तुम लोग बाहर जाओ, मैं तब तक तैयार हो जाती हूँ। ये भी बाहर जाओ, बच्ची भी, इसे भी लेकर जाओ। जाओ 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 जल्दी जाओ, मैं रेडी होती हूँ। थोड़ा जल्दी करना। हेलो हो गया क्या? जाओ अंदर आ जाए क्या? हाँ जाओ। डैडी डैडी मैंने कुछ नहीं देखा। इसे देखो। हाय डॉली। ए इडली तो ड्रेस गुड़िया को पहनाया। तो इतना छोटा ड्रेस मैं भला कैसे पहनती ये बताओ। ऐसा करना कि तुम रात को इसके पहन के। क्यों जी रेडी हो क्या? रेडी 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 रेडी। हटो जी, मैंने तुमसे जो कहा था वो पहन के रेडी क्यों नहीं हुए? मुझे क्या पहनना है? इसे पहनो। छोटा बच्चा समझ कर तुम यूं ना टकराओ, पछताओगे तुम। टेस्ट में बराबर लिखना बेटी। ओके डैडी। गुड बाय डैडी। बाय मम्मी। बाय। गुड मॉर्निंग अंकल। ओह गुड मॉर्निंग। चांद गगन से। क्यों अंकल, रात को आप वो ड्रेस पहनकर खड़े हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। तुम्हें? मैं और नंदिनी आंटी दोस्त हैं। मेरा नाम है डॉली, मैं आपके ही करीब रहती हूँ। मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? नंदिनी आंटी ने मुझे आपके बारे में सब कुछ कहा है। ए, ये झाड़ को क्या सुना रही हो? रात में बताऊंगा तुझे। ए!
क्यों बड़े मियाँ, बेटी की शादी है, पेंशन मिल गया क्या? आज ही तो पैसे मिले हैं, एक किलो शक्कर तो दे दे। लॉकअप में ले चलो। यस सर। ये लीजिए काका अपना बैग, सब कुछ ठीक ठाक है, चेक कर लीजिए। भगवान की तरह आकर मुझे बचाया। इंसान हूं। इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। श्वेता, आज ऑटो ड्राइवर आया नहीं, मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ, ठीक है? ओके डैडी, आप अंदर जाइए। बाय मम्मी। ठीक है अंकल, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्यों अंकल, दिन में तो आप शेर की तरह बड़े बड़े बातें करते हो और रात को चूहे बन जाते हो। चीटी 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 चीटी, क्या कह रही हैं? चीटी 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 चीटी, सब कुछ बोलकर चीटी चीटी कह रही हो? रात में आकर बताता हूँ। मैं बताता हूँ। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। रतनाम सर, उन चारों को कोर्ट में हाजिर करो। यस सर। और वो पिक पॉकेटर को लेकर आओ। सर वो तो सुब्रत जी ने वो पिक पॉकेटर किधर है? वो ट्यूसडे को अपने आप कोर्ट में आ जाएगा सर। कोर्ट आ जाएगा? हाँ। किसको बोलकर छोड़ा? आप घबरा क्यों रहे हैं सर, वो कोर्ट पहुंच जाएगा, अपना ही बच्चा है वो। हमारा बच्चा मतलब तेरा बेटा है क्या? क्या मजाक कर रहे हो? अरे मैं तुमसे 3 साल सीनियर हूँ, तुम्हें प्रमोशन मिल गया मिस्टर शिवराम, इसलिए तुम ज्यादा उछल रहे हो, वरना मैं तुम्हारा बॉस होता, तुम जो पूछो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं, ये मैं ठीक नहीं समझता। क्यों दूं? और किसी को भी अरेस्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है क्या? ये बैकग्राउंड, फ्रंट ग्राउंड, अंडरग्राउंड और यूनिफॉर्म पहनने वाले हर पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी में वर्दी पहनकर ऑलराउंडर होना चाहिए। यस शिवराम। ओए आमिर, पेट में नकली शराब पीकर सब लोग सीरियस हैं, वहां जाकर देखो क्या हो रहा है। ओके सर। ओए अगर मंगलवार को वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो नो इंक्वायरी, ऑन द स्पॉट जजमेंट। नो इंक्वायरी, ऑन द स्पॉट जजमेंट, जजमेंट जजमेंट। हदत तेरी की। Come on. क्या कर रहे हो भाई? अरे हमारी दुकान पर पत्थर क्यों मार रहे हो भाई? अरे भाई, अरे भाई, ऐसे तो चलती थी। ठहरिए ठहरिए, रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए, रुक जाओ। देखिए आप लोग दो मिलावटी शराब बेचेगा, सब आ गए हैं, सब संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे। शराब क्यों मार रहे हो? अरे उससे पूछो, मेरी कोई गलती नहीं है, अरे मेहनत करके कमाता हूँ, आधे से ज्यादा पुलिस स्टेशन में भेजता हूँ, अरे रिश्वत देता हूँ तुम सबको, लाखों रुपए दिए तब जाकर मुझे लाइसेंस मिला। हम शराब में मिलावट करते हैं लेकिन उससे कोई मरता नहीं है, नहीं मरता है कोई। मिलावटी शराब बेच कर बोलते हो? मैंने गलती नहीं की है, तुझसे नहीं पूछूं? अरे वो हवलदार इंस्पेक्टर साहब को बता कि मैं हर महीने कितने ज्यादा पैसे पहुंचाता हूँ पुलिस स्टेशन को, लाइसेंस लिया दुकान चलाने का।
रिश्वत दिया? अगर यकीन नहीं है तो पूछो उससे। किसको? अरे वो सामने खड़े हैं, रामरू और भीरू। हजारों रुपए दिए हैं मैंने उनको, हजारों रुपए।